और हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। आज हम आए हैं भुवनेश्वर में, पहली बार आए नाइट शो आए हैं और वो फिल्म का नाम है लुका छुपी और हम देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पे है हमारी फिल्म हॉल, तो देखते हैं फिल्म कैसी है क्या है। और अभी हम पेट भर के नाश्ता कर लिए थे और ये पतिदेव लाए है वाटर बॉटल, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमारी फिल्म शुरू होने के लिए और भी 15 मिनट्स बाकी है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज मुझे ब्लॉग बनाने की बहुत मन था, लेकिन कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए भुवनेश्वर में गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। आप लोग का एरिया में भी गर्मी है या कैसी वेदर है मुझे ज़रूर बताना, लेकिन आज शाम को जब हम आ रहे थे यहाँ पे, तब बादल मतलब छा गया था चारों तरफ और बारिश से पहले जो होती है ना वैसा वाला वेदर हो गया था। और तब से तो हम अंदर ही है, पता नहीं चल रहा है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलिए फिल्म देखने के बाद घर जाएंगे। फिर आज का डिनर तो ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं, पेट इतना भर गया है और कुछ खाने का मन नहीं करेगा डेफिनेटली, लेकिन पता नहीं मेरे भाई घर पे अकेली है, शायद वो कुछ हमारे लिए बना देगा या फिर कुछ ऑर्डर कर देगा, आई डोंट नो। तो चलिए एंजॉय कीजिए आज का दिन मेरे साथ, आज का दिन क्या रात हो गया। और आप लोगों को मेरा हेयर जो स्ट्रेटनिंग वाला वीडियो में डाली हूँ वो वाला ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मूवी हो गई ख़त्म और मूवी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी। आपको कैसे लगी मूवी? सबको बहुत पसंद आया, पूरा मॉल खाली हो चुकी है ऑलमोस्ट, बाकी जो फिल्म के लिए देखने के लिए जो लोग बैठे थे वही है। काफ़ी अच्छा मूवी था, बहुत ही अच्छा लगा। फुल पैसा वसूल बोलेंगे तो सही रहेगा शायद, फुल ऑफ कॉमेडी, बहुत मज़ा आया सीरियसली। ड्राइव पे चलो, इतनी रात को अकेली सड़कों पे, देखिए सड़क भी पूरा खाली खाली है और इनको सूझ रहा है कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। सड़क देख पा रहे हैं कितना खाली है और इस खाली सड़क में हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। मेरे पतिदेव है बड़े एडवेंचरस। आपको क्या कहना है पतिदेव, इतनी रात को अपनी बीवी को घुमा रहे हो, डर नहीं लगता?
क्या डर का है गाय, डर कुछ नहीं। इनको डर नहीं लगता लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है। मैं जब तक हूँ कोई डरने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग ऐसे बहुत बार कर चुके हैं ना। एक बार तो रात की 12 बजे को हमारे घर से मतलब बरमपुर से गोपालपुर चले गए थे, है ना, हम दोनों ऐसे ही बाइक पे, और यही बाइक था हमारा, यही बाइक और यही मेरी वाइफ और यही मेरे हस्बैंड। ये हमेशा रहेगा लास्ट तक, है ना, ये हमारे प्यार की निशानी है भाई। Just don't get too far and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. अभी हम घर पहुंच चुके हैं और अब मैं कर रही हूँ मेकअप रिमूविंग, जो कि बहुत ही जरूरी होती है सबके लिए। सोने से पहले जितना भी मेकअप हो उसको रिमूव करके उसको फेस को मॉइस्चराइज करके सोना चाहिए, ताकि आपकी फेस बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही साइन रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है शायद 12 o'clock रात की, और आज का ब्लॉग यहीं तक रहे। हो सकता है तो मैं कल फिर आपके लिए ब्लॉग बनाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी भाई 7 o'clock मॉर्निंग का, और अभी जस्ट मैं उठी हूँ और मेरे जो मैड है वो आगे ही काम कर रही है वो, तो मैं जस्ट ऐसे बैठी हूँ। और ये मेरे घर के एंट्रेंस है, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मैं ऐसा स्टिकर लगाई हूँ मोर पंख वाला, और ये सबको पसंद आती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब हम आते जाते इसके दर्शन होते, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी बाल खुले रखने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन स्ट्रेटनिंग के बाद बाल को खुले ही रखनी पड़ती है। मैं हमेशा अपने जो बाल है ऐसे ही ऊपर उठा के रखती थी, कहीं जाओ भी तो भी मैं ऐसे ही करती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस अगर जाते थे तो पफ बना के बाल को ऐसे खुले छोड़ देती थी। लेकिन इसमें पहली बार ऐसे बाल को पूरी तरह से खुल के रखी हूँ, क्योंकि इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा मैं जब भी मतलब शैम्पू करती थी तभी खुले रखती थी, वो भी 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद बालों को बांधना जरूरी होता था। क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोगों की जो मम्मी है और जो सास है वो हमें खुले बाल रखने की इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी हिसाब से खुले बाल रखना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। तो इसलिए मेरी सास और मेरी मम्मी कभी भी मुझे खुले बाल रखने की इजाज़त नहीं देते थे, लेकिन अभी मजबूरी है। मजबूरी क्या, मैं इतना पैसा खर्च किया हूँ अपने बालों के ऊपर, तो ऑब्वियसली मुझे भी डर लगता है कि अगर मैं बांध दूँ बाल को तो कहीं ख़राब ना हो जाए, इतना पैसा जो खर्च किया है इसके ऊपर। इसलिए कितना भी गर्मी हो कितना भी कुछ हो मैं बालों को ऐसे ही रखती हूँ, और लुक अच्छे होने के लिए इतना तो कष्ट उठाना पड़ता है ये, तो इसलिए। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा फील भी कर रही हूँ, मेरा कुछ कुछ बाल इस टाइप का बेंड हो रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे जाके बात करनी पड़ेगी क्या हुआ है। और कल ना एक घर पे ना बहुत ही आंधी तूफान जैसा कुछ बारिश भी हुआ है, और इतना जोर से हवा आई है कि मेरे पूरे घर में धूल मिट्टी जम गई है हवा की वजह से, तो भी उसको साफ करना पड़ेगा।
तो चलिए आज का दिन भी मेरे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मेरा फ्रिज के ऊपर वाला हिस्सा कितना मेसी होके पड़ा है। इसको मैं अभी साफ करूँगी। और पहले सबसे बड़ी बात, पहला काम मेरा आज की सुबह का पहला काम वो है ये। कल से मैं नारियल ला के रखी हूँ और इसको पीऊँगी, क्योंकि मुझे गर्मी ने इतनी अच्छे से पकड़ ली है। मैं अभी कल आपको बोल रही थी ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, गर्मी बहुत गर्मी हो गई है, मुझे पेट गर्म बहुत हो गया है। तो इसकी वजह है ट्रैवल और फ्रिज का पानी। अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं प्लीज़ इस गर्मी में मत पिए, क्योंकि फ्रिज का पानी पीने से पेट ख़राब हो जाता है, तबीयत भी ख़राब हो जाती है, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए मैं नारियल पानी पीऊँगी। एक हफ्ते से मैं नारियल पानी पी रही हूँ हर सुबह, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो गई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई गर्मी की वजह से, इसलिए तो पहला काम मैं ये करूँगी, नारियल पानी पीऊँगी, और वो भी खाली पेट में पीनी चाहिए, तो इसलिए मैं खाली पेट में पीऊँगी नारियल पानी। मैं बना रही हूँ लंच और दाल चढ़ाने के लिए रख दिया हूँ, और यहाँ पे राइस कुकर में चावल भी डाल दिया हूँ, और सब्जी काट रहे हैं मेरे भाई। हम सब मिलके काम करते हैं, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला करता हूँ ये। झूठ बोल रहे। अब देखिए इस महान आत्मा ने क्या काम किया है, भिंडी को काटने के बाद धो रहा है। आप में से कौन कौन ऐसा करता है? देखिए ये बोल रहे सारा काम मैं कर रही हूँ। अब देखिए कैसा काम करता है। भिंडी काटने से पहले धोया जाता है, ये काटने के बाद होता है। दो दिन जाने के बाद मेरा घर की हालत कैसे हो गया है? मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हूँ। हाँ, इसने ही बनाया। गौर से देखे इस लड़का को। मैंने बोला खुद अपने हाथों से बनाया, किसी को नहीं बोला, मैंने खुद किया, बहुत अच्छा काम किया। Stay here, let's stay here in love.
कल इतना बारिश होने के बाद भी आज बहुत गर्मी है और अभी मैं जा रही हूँ एसी ऑन करने। सर्दियों में जितना भी काम हो जितना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ी सी काम करने के बाद भी थक जाते हैं इंसान, है ना। और अब मेरे सारे काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं, कुकिंग भी हो गए है, बस सब्जी बाकी है, सब्जी रखी है गैस पे, दाल चावल सब हो गई, बस पतिदेव आने के बाद हम सब लंच करेंगे और मेरा भाई का आज नाइट ड्यूटी है तो वो जाएगा ऑफिस। और मेरा आज का शेड्यूल कुछ खास नहीं है। अगर आप घर पे अकेले रहते हैं या फिर आपके पास थोड़ी टाइम है तो डेफिनेटली कोशिश करना एक अच्छी सी बुक रीड करें। मिडिल क्लास फैमिली हो या रिच फैमिली, टेंशन हर किसी के पास है। किसी को अपनी कैरियर के लिए टेंशन, किसी को अपने घर पे कुछ मतभेद के लिए टेंशन, कुछ ना कुछ टेंशन तो हम लोगों की लाइफ में लगी रहती है। तो उस टेंशन से दूर होने के लिए एक ही रास्ता है, वो है बुक। और कहते हैं ना, ए रूम विदाउट बुक्स लाइक ए बॉडी विदाउट सोल। तो अपने घर में ज़रूर एक बुक, एक अच्छी बुक रखिए जो कि आपको पसंद है, पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे आप, वही वाला बुक रखिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मुझे ना प्रतिभा राय जी की बुक्स पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने उनके बहुत सारे बुक्स पढ़ी है, मुझे उनमें से दो बुक्स बहुत ही अच्छी लगी, वो है पुण्यतोया और दूसरा है जागेसनी। जागेसनी बुक में पुण्यतोया में अपनी लाइब्रेरी से ला के पढ़ी थी और वो कहानी मुझे इतना हार्ट टचिंग था कि पूछे मत। और ये जागेसनी भी ये द्रौपदी जी के ऊपर लिखा गया है, उनकी कहानी, उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी हर एक छोटे मोटे फीलिंग्स को इतनी अच्छे से डिस्क्राइब किया है प्रतिभा राय जी ने कि ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। दो बार मैं उसको पढ़ चुकी हूँ और ये तीसरे बार मैं आज शुरू किया पढ़ना। और ये वाला बुक मुझे बहुत पसंद है, जागेसनी। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, अगर आप उड़िया है या फिर उड़िया पढ़ना जानते तो जागेसनी जरूर पढ़िए, ठीक है। गला बैठ गया है क्योंकि इससे मुझे नहीं पड़ता है हमेशा, और आजकल ऐसे लगा के सो जाती हूँ तो उठने के बाद ही आंखें फूल जाती है और
गला भी बैठ जाती है क्योंकि ऐसी की आदत नहीं है मुझे। तो हाँ, तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ, अभी वह है 5:30 o'clock, 1.5 घंटा सो गई थी। थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए पीने जा रही हूँ चाय, और चाय पी के थोड़ा रिलैक्स करूँगी। चाय की एक बुरी आदत लगी है मुझे, जो कि मुझे अभी छुड़ाना है, क्योंकि आदत को अपने बस में करनी चाहिए। आदत के बस में अगर चले गए तो बहुत गलत बात है, वो हमें बहुत इतना चाहेगा। तो इसलिए मैं अपनी आदत छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। कल मैं बिल्कुल चाय नहीं पी थी, लेकिन आज मैं पीऊँगी चाय। मुझे ज़्यादातर चाय स्टील की ग्लास में पीना बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये मेरी बचपन की आदत है। हम लोग ऐसे स्टील की ग्लास में पीते हैं। और आप आंध्रा साइड या फिर बरमपुर साइड, हमारा जो होम टाउन है साउथ साइड, आप अगर जाएंगे जो भी होटल में, अगर आप चाय पियेंगे तो आपको इस टाइप का स्टील के बर्तन में और एक नीचे एक छोटा सा प्लेट इस टाइप का बर्तन में आपको चाय पीने के लिए मिलेगी। तो मेरी चाय पीने की किस्सा ख़त्म हो गई है, चाय पी चुकी हूँ और अभी आके बैठी हूँ छत पे। घर पे जब भी रहती हूँ मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं मेरा स्किन जो मेरा नेचुरल कलर है वही है। घर पे रहने से मैं देखा हूँ बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने घर पे जब रहते हैं तो मेकअप करते हैं, इतना सारा लिपस्टिक लगा के घूम के, मतलब बोलते हैं, लेकिन इतना सारा लिपस्टिक लगाने की क्या ज़रूरत है। हम लोग एक आम इंसान है, तो हम जो अगर ब्लॉग बनाते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल हम लोग शेयर करते हैं, हम लोग कैसे घर पे रहते हैं, रियल लाइफ हम लोग दिखाते हैं, ना कि फिल्मी होते हैं हम लोग, ना कि कोई रियल लाइफ हम लोग दिखाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ दिखाएंगे। तो मैं जब भी घर पे होती हूँ बस इस टाइप का मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सिंदूर लगा देती हूँ, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कभी कभी सर्दियों के मौसम में मैं मॉइस्चराइज करती हूँ, और गर्मियों में मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाती हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने के लिए नहीं है, घर पे भी हम किचन में काम करते हैं तो इसलिए सनस्क्रीन भी हम लोगों के लिए ज़रूरत है। हाउसवाइफ जो भी है तो उन लोगों के लिए सनस्क्रीन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम लोग भी कुकिंग करते हैं, किचन में काम करते हैं, तो उस टाइम हमारा फेस को कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए सनस्क्रीन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है मेरी जैसा, मुझे तो बहुत ही ड्राई स्किन है, तो मॉइस्चराइज भी करके रात में सोइए, और दिन में भी नहाने के बाद अगर आप कुछ क्रीम पाउडर्स यूज़ नहीं करते तो मॉइस्चराइज कर दीजिए अपनी फेस को। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वही करती हूँ जब भी मैं घर पर होती हूँ, और घर पर रहने से लिपस्टिक लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा जब भी मैं घर पे होती हूँ या फिर ऐसे वगैरह चलता है तो मेरा लिप बहुत ही ड्राई, बहुत ही अनहेल्दी फील होती है, तो मैं थोड़ा सा लिप बाम ही यूज करती हूँ, उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं। ये कहने का मतलब यही है, हम लोग अगर यूट्यूबर है, हम लोग अगर ब्लॉगर है तो लिपस्टिक लगा के पूरा पूरा मेकअप लगा के लोगों के सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपल जो लाइफ हम जीते हैं, हम घर पर जैसे रहते हैं वैसे ही लोगों को दिखाना चाहिए। एज ए ब्लॉगर आप लोगों को कोई भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरा कहना है।
और टीवी में मैं ज़्यादा म्यूज़िक देखती हूँ या फिर सेट सब का, तारक मेहता, भाकरवाड़ी, वो चैनल थोड़ी देखती हूँ। अदरवाइज न्यूज़ देखती हूँ, बस इतनी ही देखती हूँ। और कभी कभी अच्छी मूवी अगर दे दे तो मूवी भी देख लेती हूँ, क्योंकि न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में क्या चल रहा है वो जानना जरूरी है, तो इसलिए मैं न्यूज़ भी देखना प्रेफर करती हूँ। और अभी मैं बैठ कर देख रही हूँ म्यूज़िक, लेकिन थोड़ी म्यूट कर दी हूँ क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम ना आ जाए इसलिए। तो गाइस अभी हो गया है 6:30 o'clock और आज हमारा कोई घूमने का प्लानिंग नहीं है। मेरे हस्बैंड चले गए जिम और मैं घर पे हूँ, और मैं अपने लिए कुछ फटाफट जो नाश्ता बनता है कुछ बना दूँगी अपने लिए। तो मिलते हैं मेरे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो मैं आज के इस ब्लॉग को, इतनी बड़ी ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।